अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मुनव्वर लाल है और आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्ममेंट। ये जो सब्जेक्ट है ये इंटरनेशनल रिलेशंस का एक हिस्सा है और जैसा कि आपको मालूम है कि इंटरनेशनल रिलेशन का जो सब्जेक्ट है उसको स्टार्ट करने की वजह दुनिया में होने वाले जंगे थे और उनमें होने वाला नुकसान था। तो आज से 100 साल पहले स्कॉलर्स ने रियलाइज किया, क्यों ना हम दुनिया में अब तक होने वाली जंगों को एनालाइज करें और वो बेसिस जानने की कोशिश करें जिनकी वजह से दुनिया में जंगें होती हैं। और एक दफा अगर हमने वो कॉजेज जान लिए तो फिर हम फ्यूचर प्रेडिक्शन भी कर सकेंगे कि किस तरह से इन जंगों को रोका जा सकता है या कम से कम कम किया जा सकता है। तो उसी इंटरनेशनल रिलेशंस के सब्जेक्ट में एक अहम कोर्स आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्ममेंट है। आज हम अपने फर्स्ट लेक्चर्स में इन 6 सवालों को डिस्कस करेंगे। बहुत डिटेल में तो नहीं डिस्कस करेंगे लेकिन हम एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश करेंगे ताकि हमें कुछ नोआ हो सके इस सब्जेक्ट के बारे में। जैसा कि एक सवाल, सबसे पहला, व्हाट इज आर्म्स कंट्रोल? दूसरा सवाल, व्हाट इज डिसआर्ममेंट? और सवाल नंबर 3, हाउ आर्म्स कंट्रोल इज डिफरेंट फ्रॉम डिसआर्ममेंट? क्योंकि एक लंबे अरसे तक स्कॉलर्स भी इस डिस्कशन में फंसे रहे, क्या आर्म्स कंट्रोल और डिसआर्ममेंट दोनों एक ही चीज है? तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम ये भी समझेंगे क्या ये दोनों सिमिलर हैं या दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं। चौथा अहम क्वेश्चन, नॉर्मेटिव वर्सेस प्रैक्टिकल डायमेंशन, यानी कि इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे ये जो हम दुनिया में आर्म्स कंट्रोल की बात कर रहे हैं, वेपन्स को कम करने की बात कर रहे हैं, या डिसआर्ममेंट, वेपन्स को खत्म करने की बात कर रहे हैं, क्या ये एक सिर्फ ख्याली चीज है या इसमें कुछ प्रैक्टिकलिटी भी है? क्या हम अमली तौर पर भी ये काम कर सकते हैं? और पांचवा सवाल, कॉजेज ऑफ आर्म रेसेस। इस सवाल में हम जरा डिटेल से तो कॉजेज ऑफ आर्म रेसेस नहीं देख रहे क्योंकि इस सवाल को हम आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन इस लेक्चर में हम सिर्फ स्कॉलर्स की डिबेट को यहाँ थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ताकि हमें पता लग सके कि कौन सी वो बड़ी वजह होती हैं जिनकी वजह से दुनिया में ये वेपन्स की, आर्म्स की रेस जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और सबसे लास्ट क्वेश्चन, इज
डिसआर्ममेंट फीजेबल, यानी कि दुनिया में ये जो डिसआर्ममेंट वेपन्स को खत्म करने की जो कोशिश है, क्या वो काबिले अमल है भी या नहीं। हम अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज आर्म्स कंट्रोल। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आर्म्स कंट्रोल की डेफिनेशन क्या है। एन एग्रीमेंट अमंग स्टेट्स टू रेगुलेट सम एस्पेक्ट्स ऑफ देयर मिलिट्री कैपेबिलिटीज। द एग्रीमेंट मे अप्लाई टू द लोकेशन, अमाउंट एंड टाइप्स ऑफ मिलिट्री फोर्सेस, वेपन्स एंड फैसिलिटीज। यानी कि दो मुल्कों या दो से ज्यादा ममालिक के दरमियान किसी मुहाइदे का होना, जिस मुहाइदे के तहत मिलिट्री कैपेबिलिटीज को कम कर देना, या किसी एक खास इलाके में आर्म रेस में कमी आ जाना, या वेपन्स की तादाद को कम करना। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं, द एग्रीमेंट में अप्लाई टू दी लोकेशन। तो आपको समझाने के लिए कि आर्म्स कंट्रोल में ये जो लोकेशन का वर्ड यूज किया गया है कि एग्रीमेंट के थ्रू किस तरह कुछ लोकेशन के बारे में ये तय कर दिया जाता है कि यहाँ पर जो वेपन्स हैं वो टेस्ट नहीं किए जाएंगे। इस सिलसिले में एक एग्रीमेंट यूएसएसआर और यूएस के दरमियान हुआ था 1959 में। इस एग्रीमेंट का नाम था एंटार्कटिक एन टार्टिक एंटार्कटिक ट्रीटी, ये 1959 में, 1959 में एक मुआहदा हुआ जिसका नाम था एंटार्कटिक ट्रीटी। एंटार्कटिक का नाम आपने पहले सुना होगा, एंटार्कटिक कॉन्टिनेंट, यानी कि हमारा ऐसा बरेआजम है जहाँ पर कोई इंसानी आबादी नहीं रहती, बल्कि ये बरे आजम बर्फ से ढका रहता है। तो यूएसएसआर और यूएस ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने 1959 में एक मुआहदा किया जिसके तहत उनके दरमियान ये तय पाया कि वो एंटार्कटिक कॉन्टिनेंट में किसी भी किस्म का कोई भी वेपन टेस्ट नहीं करेंगे। और ये वायदा करने की खास वजह भी ये थी कि क्योंकि वो बर्फ से ढका रहता है, अगर वेपन्स को वहाँ टेस्ट किया जाता जिसकी वजह से वहाँ की बर्फ सारी मेल्ट हो जाती और जो समंदर का लेवल है, सी लेवल, वो कम से कम 70 मीटर बढ़ जाता,
70 मीटर अगर इसको हम फुट में कन्वर्ट कर दें तो कम से कम 230 फुट समंदर का लेवल इंक्रीज हो जाता, जिसकी वजह से जितने भी ममालिक में साहली शहर हैं उन तमाम का ऑलमोस्ट डूब जाना किसी बहीद की बात नहीं थी। तो इसलिए यूएसएसआर और यूएस ने ये माहिदा किया कि वो अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट में किसी भी किस्म का कोई भी वेपन टेस्ट नहीं करेंगे। इसी तरीके से एक और माहिदा लोकेशन के हवाले से 1967 में हुआ। 1967 में ये मुहैदा आउटर स्पेस ट्रीटी, क्योंकि आपको स्टूडेंट्स मालूम है कि 60s की दहाई में यूएसएसआर और यूएस ने स्पेस में जाने की कोशिश स्टार्ट कर दी थी और इसमें कामयाब भी हो गए थे। तो दोनों मालिक ने 1967 में ये तय किया कि वो स्पेस में यानी कि अर्थ के ऑर्बिट में कोई भी मिसाइल डिप्लॉय नहीं करेंगे, ना सिर्फ अर्थ के ऑर्बिट में बल्कि पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में किसी भी जगह पर कोई भी वेपन डिप्लॉय नहीं किया जाएगा। इसी तरीके से लोकेशन के हवाले से एक तीसरी एग्जांपल है जो कि 1971 में एक एग्रीमेंट हुआ जिसे कहा जाता है सी बेड। सी बेड एग्रीमेंट, सी बेड एग्रीमेंट में दोनों ममालिक के दरमियान यानी कि यूएसआर, यूएसएसआर और यूएसए इनके दरमियान तय पाया कि समंदर के ऊपर या समंदर की तह में किसी भी किस्म के न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय नहीं किए जाए। इसी तरीके से बहुत सारी एग्जांपल दी जा सकती हैं अमाउंट के बारे में कि कुछ ऐसे माहदे भी हो जिनके तहत तय पाया कि नंबर दो वेपन की तादाद कितनी होगी, टैंक्स कितने होंगे, मिलिट्री फोर्स को कितनी हद तक बढ़ाया जा सकता है, या मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान ऐसा भी तय पाया कि वो अपनी फोर्सेस को 50,000, 1 लाख, 2 लाख तक कम कर देंगे। उसके बाद हम नीचे देखते हैं आर्म कंट्रोल इज एन अल्टरनेटिव अप्रोच टू अचीविंग इंटरनेशनल सिक्योरिटी थ्रू मिलिट्री स्ट्रेटजीज। आर्म कंट्रोल इज एन अल्टरनेटिव अप्रोच टू अचीविंग इंटरनेशनल सिक्योरिटी थ्रू मिलिट्री स्ट्रेटजीज, यानी कुछ स्कॉलर्स का ख्याल ये है कि अगर हमें इंटरनेशनली अमन कायम रखना है तो हमें आर्म्स कंट्रोल्स से रिलेटेड डिफरेंट मुहादे करने होंगे, तभी हम दुनिया में अमन कायम कर सकेंगे। तो आर्म्स कंट्रोल के बाद हम दूसरी डेफिनेशन जो कि डेफिनेशन ऑफ डिसआर्मामेंट की है। डिसआर्मामेंट इज द रिडक्शन ऑफ द नंबर ऑफ वेपन्स एंड ट्रूप्स मेंटेन्ड बाय अ स्टेट, यानी कि वेपन्स की तादाद को कम कर देना या मुकम्मल तौर पर खत्म करना डिसआर्मामेंट कहलाता है। जिस तरह हमने आर्म कंट्रोल कुछ एग्जाम्पल से समझा है, इसी तरीके से
हम दो एग्जाम्पल से डिसआर्मेमेंट को भी समझने की कोशिश करते हैं। नाइनटीन सेवेंटी नाइन में एक एग्रीमेंट हुआ जिसका नाम था साल्ट टू। इस एग्रीमेंट में यूएसएसआर और यूएसए के दरमियान ये तय पाया कि दोनों ममालिक जो हैं वो 2400 से ज्यादा स्ट्रेटेजिक मिसाइल अपने पास नहीं रखेंगे। इसी तरीके से 1975 में एक एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट का नाम था TTBT। TTBT TTBT का मतलब है थ्रेश होल्ड टेस्ट बैन ट्रीटी, थ्रेश होल्ड टेस्ट बैन ट्रीटी, यानी कि तय पाया कि जो न्यूक्लियर वेपन्स को वारहेड को टेस्ट किया जा रहा है तो हम क्यों ना कोई एक कैपेसिटी तय कर लें कि इससे ज्यादा वारहेड की कैपेसिटी वाला जो मिसाइल है वो टेस्ट नहीं किया जाएगा। तो तय पाया 150 किलो टन से ज्यादा वारहेड टेस्ट नहीं किया जाएगा। हम जरा 150 टन को अगर आसान जबान में समझने की कोशिश करें तो 1 टन में, क्योंकि किलो तमाम स्टूडेंट समझते हैं, तो 1 टन में 1000 किलो होते हैं, यानी कि 1 टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम। और यहां तय पाया था कि 150 किलो टन एक सौ 50 किलो टन, 1 टन में 1000 केजी और 1000 टन और 1000 टन में 1 किलो टन, यानी 1000 टन का 1 किलो टन जबकि 1 टन का 1000 केजी।
यानी कि ऐसा नंबर बनेगा जिसको काउंट करना थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं कहूंगा, लेकिन यहां पर बहुत ही काम मैथमेटिक्स की तरफ फैल जाएगा। तो तय पाया 150 किलो टन से ज्यादा वारहेड टेस्ट नहीं किया जाएगा। तो ये मुआहदा भी यूएसए और यूएसएसआर के दरमियान हुआ, लेकिन सोवियत यूनियन ने मुआहदा तोड़ा, इसकी खिलाफ वर्जी की और उसने 3.6 मेगाटन 3.6 मेगाटन वारहेड टेस्ट किया। और हमने इससे पहले ये समझा कि 150 किलो टन से ज्यादा टेस्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन टेस्ट हुआ 3.6 मेगाटन। तो अगर हमें 1 मेगाटन के बराबर अगर किलो टन को देखना हो, तो कम से कम 1 मिलियन टन का 1 मेगाटन बनता है, यानी कि 10 लाख टन का 1 मेगाटन बनेगा। और यूएसएसआर ने जो टेस्ट किया वो 3.6 मेगाटन था। सो बिग अमाउंट। तो जैसा कि हमने लेक्चर के स्टार्ट में कहा था कि हमने जहाँ आर्म कॉन्फ्लिक्ट और डिसआर्ममेंट की डेफिनेशन के बारे में जानना है, ये जानना है कि ये क्या चीज़ें हैं, तो वहाँ ये भी जानना है कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो अभी तक कुछ ना कुछ आप फर्क जान गए होंगे। तो आसान जबान में अगर हम इन दोनों का फर्क बयान करें, तो फर्क ये हो सकता है कि आर्म्स कॉन्फ्लिक्ट से मुराद मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान मुआहदा होना, जिसके तहत आर्म रेस को रोका जा सके, और डिसआर्ममेंट से मुराद ये है कि वेपन्स की तादाद को या तो मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देना या उनकी तादाद को रिस्ट्रिक्ट कर देना या पहले से मौजूद कम कर देना, पहले से मौजूद आर्मी की तादाद को कम करना। ये भी आर्म्स कंट्रोल वर्सेस डिसआर्ममेंट उसी के फर्क को बयान किया गया है। एनी अटेम्प्ट टू लिमिट और रेगुलेट द नंबर और द टाइप्स ऑफ वेपन्स दैट नेशन कैन पॉसेस और डिसआर्ममेंट एक्शंस दैट रिड्यूस द एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ वेपन्स और दैट बैन सर्टेन टाइप्स ऑफ वेपन। जैसा कि मैंने लेक्चर के शुरू में कहा था कि हम कॉजेज ऑफ आर्म रेस यहाँ कुछ डिटेल से नहीं देख रहे, लेकिन हम स्कॉलर्स की डिबेट को थोड़ा सा देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया में आर्म रेस क्यों होती है। ये स्कॉलर्स क्योंकि उनकी राय डिफरेंट होती है, तो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स की वजह से ये दो मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं। एक रैशनल रिस्पॉन्स यानी कि रियलिटी बेस्ड रियलिस्टिक मॉडल, और दूसरा आर्म रेस स्केप्टिक्स यानी कि जो रैशनल रिस्पॉन्स के बिल्कुल ऑपोजिट राय रखते हैं। रैशनल रिस्पॉन्स क्या कहता है? वन स्कूल्स बिलीव दैट आर्म रेस आर प्राइमरली रैशनल रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटी।
तो कहने का मतलब ये है कि आर्म रेस प्राइमरी आर रैशनल रिस्पॉन्स, यानी कि ये एक नेचुरल कुदरती रिस्पॉन्स है कि जब भी किसी मुल्क को कोई एक्सटर्नल खतरा होगा तो वो मुल्क क्या करेगा, आर्म रेस में शामिल हो जाएगा। जैसे पाकिस्तान को इंडिया से हमेशा खतरा रहा है, तो जैसे जैसे इंडिया अपने वेपन्स को पहले से बढ़ा रहा है और उनकी कैपेसिटी भी इंक्रीज कर रहा है, वैसे वैसे पाकिस्तान जो है वो थ्रेट परसीव करते हुए पाकिस्तान उसके रिस्पॉन्स में अपने वेपन्स को अपग्रेड कर रहा है, या बाज़ अवक़ात कुछ अपॉर्चुनिटीज हासिल करने के लिए भी वेपन्स की रेस में शामिल होते हैं। जैसे इंडिया जो है वो इस साउथ एशिया में एक रीजनल हेजमॉन बनना चाहता है ताकि यहाँ की एक्टिविटीज को वो कंट्रोल कर सके। तो उसको इस साउथ एशिया में किसी से खतरा नहीं है, वो बड़ा मुल्क है, ताकतवर मुल्क है, लेकिन वो अपने वेपन्स की कैपेसिटीज को बढ़ाकर अपॉर्चुनिटी हासिल करना चाहता है, कुछ पॉलिटिकल अचीवमेंट करना चाहता है। इस रैशनल रिस्पॉन्स के बिल्कुल ही ऑपोजिट आर्म रेस टैक्टिक्स, जो कि शक का इजहार करते हैं इस रैशनल रिस्पॉन्स पर। क्या कहते हैं, आर्म रेस स्केप्टिस बिलीव दैट आर्म बिल्डिंग आर यूजुअली द प्रोडक्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ इंटरनल डोमेस्टिक इंटरेस्ट, इंक्लूडिंग दो साइंटिस्ट इन्वॉल्व इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ वेपन सिस्टम्स एंड द मिलिट्री सर्विस दैट विल ऑपरेट। वो कहते हैं कि ये जो आर्म रेस है, कॉजेज ऑफ आर्म रेस है, ये इतनी सिंपल बात नहीं है, ये एक बहुत सारी चीजों का मिक्सर है। मसलन हमारे इंटरनल पॉलिटिक्स, डोमेस्टिक इंटरेस्ट, या साइंटिस्ट जो कि वेपन्स पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, वो जितने ज़्यादा बेहतर वेपन्स बनाना शुरू कर देंगे या उनकी कैपेसिटी इंक्रीज करना शुरू कर देंगे, वैसे ही वो मेजर प्रोड्यूसर ऑफ वेपन्स की लिस्ट में वो मुल्क शामिल होना शुरू हो जाएगा, वो दुनिया को वेपन्स भेजना भी शुरू कर देगा, और उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा उससे फिर मजीद नए टेस्ट करने की कोशिश करेगा। इस तरह से आर्म रेस जो है वो किसी भी मुल्क में स्टार्ट हो सकती है। तो नाजरीन, जैसा कि आज हमने समझने की कोशिश की कि आर्म रेस क्या चीज़ है और किस सालों में क्या है, और सबसे आखिरी सवाल, इस डिसआर्मामेंट इज फिजिबल, क्या ये मुमकिन है, तो इसके बारे में छोटी सी बात यही कहूँगा कि मुकम्मल तौर पर दुनिया में वेपन्स को ख़त्म कर देना बहुत ही इम्पॉसिबल है। दुनिया में ये कभी हुआ भी नहीं और ना ही आने वाले वक्त में इसके कोई चांसेस हैं, लेकिन उन वेपन्स की तादाद में कमी जरूर की जा सकती है। तो आने वाले लेक्चर्स में हम बहुत डिटेल के साथ ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये आर्म रेस की हिस्ट्री क्या है, डिसआर्ममेंट की हिस्ट्री क्या है, क्या इसमें दुनिया को कामयाबी मिली है या। बहुत शुक्रिया।